आज मेरे को एक लड़का मिलन आया है, एक लड़की दी मैसेजेस लेके कि तीन जगह ते इकट्ठा डेट कर रही है एक लड़के नु, तीन जगह ते सिर्फ मेरे नाल एक फोटो खिंचाई, जदों भी उन्दे नाल झगड़ा करदी है ते उन्नू मेरे नाल फोटो भेज दिंदी है। ते उस लड़के ने मैनू मैसेज किया एक सोशल साइट ते, ते आज मैं उन्हें बुलाया ते उन्हें मैनू जो दिखाया, असी उन्दी कुंडली खोली ते तीन जगह ते एक डेट कर रही, तीन जगह ते लगातार। बहुत वड़ा दिल करता पार्टीज करो पर अपने फैमिली मोरल्स नू ना भूलो। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखो कि थोड़ा फोकस की है। कल नू तुसी श्रद्धा तो नहीं बन जाओगी या कल नू किसी होर आफताब नू अपा इनविटेशन तो नहीं दे रहे। अपने फैमिली मोरल्स नू ध्यान रखो और अल्टीमेटली सिर्फ अपने फोकस अपने कैरियर नू रखो। अज श्रद्धा ने पहला स्लैप और पहला अब्यूज इमीडिएटली रोकिया होंदा ते अज ओह साडे विच होंदी। चाहे जीवन और मृत्यु ईश्वर दे हाथ ते चे, पर एक है सब नू दुख ना होंदा कि किन्ने टाइम तो अपने दोस्तां नू मैसेज कर रही सी कि मैनू इस चीज तो निकाल लो। हमेशा तो कहंदी आ रही हां कि पहला थप्पड़, चाहे वो कोई लड़की होवे चाहे कोई वाइफ होवे, ए मेल ली भी है जे वुमेन्स तुहानू हरास कर रही ने इमीडिएटली रोको। अपने औरत होने का फायदा उठा रही ने, हर पहला थप्पड़ और पहली गल नू उत्थे ही रोको। कि क्या लड़कियां मेल्स दे नाल दोस्ती तुसी अपने पढ़ लिख के गई हो, इंडिपेंडेंट हो? मोस्ट ऑफ दी कंप्लेंट उन्होंने लड़कियां दी आई ने जड़ियां पढ़िया लिखिया ने अपने पैरों ते खड़िया ने, किसी ने नाल रिलेशनशिप ने हर्ट हो रही ने, रो रही ने फिर आके। पर ए जे तुसी इंडिपेंडेंट हो, पैरों ते खड़िया हो, एक अच्छा कमा रही हो, यह रिलेशनशिप तुहानू किस सकून लिए तुसी अपनी दोस्ती मेल नाल कर रही हो या उल्टा मेल नू ही हरास कर रही हो, अल्टीमेटली यह किस चीज़ वास्ते वे? आफ्टरनून एवरीवन, उम्मीद कर दिया तुसी सारे ठीक हो गए। उम्मीद च बहुत सारे शब्द छुपे हुए ने, होप छुपी हुई है, एक आशा छुपी हुई है, एक सहारा छुपया हुआ है, एक ट्रस्ट छुपया हुआ है उम्मीद च। ते आज तुहाडे नाल रूबरू होने का एक स्पेशल परपज है। पिछले दिनों च साडी एक बेटी, साडे भारत देश की बेटी जिहड़ी मुंबई तो आके दिल्ली शिफ्ट कर गई, श्रद्धा, जिन्हें अपने पेरेंट्स नू नहीं सुनिया, एक मुंडे दे नाल रिलेशनशिप पे चाके रहन लग गई और फाइनली उस लड़के ने उन्दे 35 टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके 18 दिन तक जंगला सुट के आंदा रहा। बहुत ही दुखदाई, बहुत ही रोंगटे खड़े करन वाली एक साडी बेटी दी ये स्टोरी है, जड़े बहुत सारे मैसेज दे के गई है साडी बेटियां वाली। मैं पंजाब विच अपने पंजाब दी बच्चियां दे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नू देख रही हाँ। जिजोरन वाली यह घटना है क्योंकि साढ़े कोल कमीशन विच रोज़ दे इदा बेशुमार कंप्लेंट्स ने लड़कियां दी कि साढ़े नाल चिटिंग कीती जा रही है और अल्टीमेटली रिवर्स भी हो रही ने चीज़ा। लड़कियां भी अज मेरे को एक लड़का मिलन आया है, एक लड़की दी मैसेजेस लैके कि तीन जगह ते इकट्ठा डेट कर रही है एक लड़के नू, तीन जगह ते सिर्फ मेरे नाल एक फोटो खिंचाई, जदों भी उन्दे नाल झगड़ा करती है ते उन्नू मेरे नाल फोटो भेज दिंदी है। ते उस लड़के ने मैनू मैसेज किया एक सोशल साइट ते, ते आज मैं उन्हें बुलाया ते उन्हें मैनू जो दिखाया, असी उन्दी कुंडली खोली ते तीन जगह ते एक डेट कर रही, तीन जगह ते लगातार, ते चीज़ा रिवर्स हो रही ने। पर जड़ी साडी बच्ची श्रद्धा दे नाल होया, होर एक इंसीडेंट होर होया कि एक लड़की ने आटो ड्राइवर ने औरंगाबाद दे चुंदे नाल जोर जबरदस्ती करन दी कोशिश की, स्पीड बढ़ा ली ते वो लड़की आटो च छाल मार गई, हॉस्पिटल च एडमिट है, खतरे तो बाहर है पर सट्टा बहुत लगिया हुई ने, फैमिली नू पहचान रही है। सब चीज़ा कदों रुकन गईयां? एक जड़ी ऑटो चो लड़की ने छाल मारी, एक तरफ अपनी जान बचाने वास्ते, पर दूजी तरफ है जड़ा श्रद्धा वाला केस होया है कि अपने पेरेंट्स नू नहीं सुनिया। ते अज मेरा अलाइव आन दा मैसेज है अपने पूरे पंजाब दी डॉटर्स ली कि मैं तुहाडे राइट्स नू देख रही हाँ, तुसी एज ए सोल मदर या एज ए फ्रेंड मेरी इस गल नू ध्यान नाल सुनना, वट एवर ए तुहाडा बड़ा पर्सनल है कि तुसी अपनी पर्सनल लाइफ विच अपने किन्ने फैमिली मॉरल्स नू वैल्यू देंदे हो या तुहाडा एक फोकस की है। पर मेरा यह मैसेज है तुहाडी पर्सनल लाइफ विच इंटरफेरेंस करन दा सानू कोई हक नहीं हैगा, पर तुहाडा फोकस अल्टीमेटली तुहाडा कैरियर होना चाहिए। जो साडी श्रद्धा नाल होया है बच्ची दे नाल, मैं नहीं चाहती किसी भी होर बच्ची दे नाल, चाहे वह पंजाब दी होए चाहे पंजाब तो बाहर दी होए,
कि ऐदा दे इंसीडेंट होन, वट एवर तुहाडा दिल करदा, तुसी दो कॉन्वेंट स्कूलां च पढ़दियां हो, कंपनी च जॉब करदियां हो, मल्टीनेशनल कंपनी च जॉब कर रही हो, होस्टल च बाहरों रह रही हो, तुसी दोस्त बनाओ, कोई तुहाडे ते पाबंदी नहीं है, जो तुहाडा दिल करदा पार्टीज करो, पर अपने फैमिली मोरल्स नू ना भुल्लो। सिर्फ इक्को ही चीज़ का ध्यान रखो कि तुहाडा फोकस की है। कल नू तुसी शरदा तो नहीं बन जाओगी या कल नू किसी होर आफताब नू आपां इनविटेशन तो नहीं दे रहे। अपने फैमिली मोरल्स नू ध्यान रखो और अल्टीमेटली सिर्फ अपने फोकस अपने कैरियर नू रखो। फ्रेंड्स बनाओ, प्यार हर्ट हुंदा है, दोस्त छड के चले जाते हैं, रिश्तेदार छड के चले जाते हैं, पर जीवन उस तरह ही चलता है। और फोकस रखो, अपने कैरियर नू फोकस रखो, अपनी फैमिली नू फोकस रखो, और सब तो वड्डी जरूरत है अपने आप नाल प्यार करो, अपने आप नू प्रायोरिटी ते रखो, अपने आप नू फोकस रखो कि तुहाडा अल्टीमेटली टारगेट की है। अपने कैरियर नू सब तो ज़्यादा फोकस रखो कि असी क्या, मेरा एक आज दी बच्चियां दे नाल और अपनी मेरी फेसबुक फैमिली दे नाल एक सवाल है कि क्या कोई रिलेशनशिप अब्यूजिंग रिलेशनशिप या टॉक्सिक बिहेवियर किन्ने ही लोग टॉलरेट कर रहे होंगे, किन्नियां सारियां गर्ल्स। जे आज शरदा ने पहला स्लैप और पहला अब्यूज इमीडिएटली रोकिया होंदा ते आज जो साडे विच हुंदी, चाहे जीवन और मृत्यु ईश्वर दे हाथे चे, पर एक है सब नू दुख ना होंदा कि किन्ने टाइम तो अपने दोस्तां नू मैसेज कर रही सी कि मैनू इस चीज़ तो निकाल लो। हमेशा तो कहंदी आ रही हां कि पहला थप्पड़, चाहे वह कोई लड़की होवे चाहे कोई वाइफ होवे, ए मेल ली भी है, जे वुमेन्स तुहानू हरास कर रही ने इमीडिएटली रोको, अपने औरत होने का फायदा उठा रही ने, हर पहला थप्पड़ और पहली गल नू उत्थे ही रोको, ब्लॉक करो इहो जे रिश्तियां नू इमीडिएटली, क्योंकि अल्टीमेटली एक सवाल है कि क्या लड़कियां मेल्स के नाल दोस्ती, तुसी अपने पढ़ लिख के गई हो, इंडिपेंडेंट हो, मोस्ट ऑफ द कंप्लेन उन्होंने लड़कियां दी आई ने जिहड़ियां पढ़िया लिखिया ने, अपने पैरों ते खड़िया ने, किसी ने नाल रिलेशनशिप ने हर्ट हो रही ने, रो रही ने फिर आके, पर यह जे तुसी इंडिपेंडेंट हो, पैरों ते खड़िया हो, एक अच्छा कमा रही हो, यह रिलेशनशिप तुहानू किस सकून लिए तुसी अपनी दोस्ती मेल नाल कर रही हो या उल्टा मेल नू ही हरास कर रही हो, अल्टीमेटली यह किस चीज़ वास्ते वे। असी जे अपने मैंटल पीस वास्ते कह रहे हैं, क्या असी सिर्फ सानू यह चीज़ सकून ता दिंदी है कि सानू गिफ्ट्स मिलते हैं, क्या गिफ्ट्स लिए जो तुसी इंडिपेंडेंट हो कमा रही हो, तुहानू किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, तो फोकस कित्थे है साडा अज दे टाइम ते। साडे टाइम ते साडे पेरेंट्स ने साडे लिए चीज़ों का सानू पता ही नहीं सी, साडे टाइम ते मैनू प्राउड हुंदा है, साडे टाइम ते जिस टाइम ते मेरी शादी हुई साडे पेरेंट्स ने साडा व्याह करता कि व्याह करके ही तुसी उन्नू जिंदे नाल असी व्याह करता तुसी उन्नू प्यार करना है, वट इज़ द अगे मैटर ही नहीं रखता कि तुसी यह चीज़ा साडे टाइम दी चीज़ा कि या तो तीन कैटेगरी आंदियां ने, या तो कुछ लेडीज़ कंप्रोमाइज़ कर दिया ने अपनी लाइफ के नाल, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है म्यूचुअल कि एक दूसरे नू सेम रिवर्ट, कुछ अपनी जीवन ही दूजिया नू डिवोट कर देंदियां ने कि जिंदे नाल साडे पेरेंट्स ने व्याह, उन्हां तीनों कैटेगरिया च मैं एक कैटेगरी च अपने आप नू फिट किया, पर आई एम हैप्पी, अज मैं इंडिपेंडेंट हाँ, नॉट आंसरेबल टू एनी वन, किसी दी नहीं सुनती, गलत करती नहीं और डरती किसी के प्यो तो नहीं, और किसी दी नहीं सुनती, चाहे वह मेरी फैमिली होवे चाहे आ बाहर होन, किसी दी नहीं सुनती, गलत करती नहीं, सुनती किसी दी नहीं। तो इस करके क्योंकि फोकस रखे इस चीज़ पर कि जीवन में परफेक्शन किसी भी रिश्ते च नहीं है, परफेक्शन किसी भी काम च नहीं है, पर फोकस रखे कि अल्टीमेटली ठान लिया उस एज शादी हुई जदों चीज़ां इन्नियां कु खराब सी, टैररिज्म दा जोर सी, आतंकवाद जोरां ते सी उस टाइम ते मेरी शादी हुई, 4 बजे लाइट बंद हो जाती सी कि 4 बजे तो पहले रात दा डिनर फिनिश्ड कैंडल जला के वह समा देखिया मनीषा गुलाटी ने, दर्द विच्चों अपने आप नू खड़ा किया, पर फोकस रखिया कुछ बनना है, कुछ बनना है, विजन हाले भी पूरा नहीं होया, आई एम नॉट हैप्पी, विजन हाले पूरा नहीं होया, पर विजन पूरा होके रहेगा क्योंकि फोकस है ठानिया होया, पर फिर भी मेरिया चीज़ा कुछ चीज़ा प्रायोरिटी ते ने कि कौन लोग मेरी जिंदगी च हमेशा रहन वाले ने और कौन जड़े हैगे सी किन्हां नू मैं दूर करता, वो ऑब्सटिकल सन उन्होंने दूर करता। इस करके अपना फोकस रखो अपने कैरियर ते। सारी फीमेलली स्ट्रोंगली मैसेज दे कि कल नू तुसी कोई आन वाली शरदा ना बनना, पहला स्लैप पहला अब्यूज रोको। मेरे लिए बड़ा दुख दे, मेरे दिलों दिमाग चो नहीं निकल रहा कि साड़ी एक बच्ची दे 35 टुकड़े कर दिते गए, एक प्योर सोल नू बिखेर दिता गया, अपने पेरेंट्स अपने फादर नू नहीं सुनिया हुन उन्हें, उस तरह ही मेरी पंजाब दी बच्चियां लिए मैसेज है, और उल्टा अपने औरत होंदा अपने लड़की होंदा फायदा ना चुकना, किसी मेल नू भी हरास ना करना, तुहाडी दुनिया बिल्कुल बेकार है एक आदमी तो बिना वे, असी मन्ने असी इंडिपेंडेंट होके स्ट्रोंग हाँ, पर जड़ी साड़ी औरत दी एक ब्यूटी नू एक कोई निखारदा ते ओह मर्द
माँ नहीं बन सकती, बहन नहीं बन सकती, वाइफ नहीं बन सकती। किसी रिश्ते नू खूबसूरती अगर कोई दिंदा औरत नू, वो तो मर्द दिंदा। कुछ फेमिनिज्म नहीं है, एक दूसरे दे पूरक हाँ। इस चीज़ नू समझना पेगा औरत नू। मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करती जड़ियाँ मेरे को झूठियाँ कंप्लेंट्स लेके मर्दा दे खिलाफ आंदियाँ। मेरा वोट उन सारी मेल कम्यूनिटी दे नाल सी है और रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, स्टे स्ट्रॉन्ग।